वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है सबूही खान एंड निगत अब्बास डिस्ट्रॉयड हाजिक खान डिबेट वीडियो, और इनके चैनल का नेम है प्राइम डिबेट। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। पांचाली के चीर हरण पे जो आज चुप्पी साथ जाएगा ना बा खुदा, कल वो इतिहास के कालखंडों में कायर कहलाएगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस धर्म में खान साहब जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स हो उनको दुश्मनों की क्या जरूरत है। अल्लाह कह रहे हैं, पहले पूरी बात सुनिएगा कि कुरान में अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें जो औरतें पसंद हो तुम उनसे एक एक दो दो तीन तीन चार चार निकाह कर सकती हो। अब नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में, मैं हूं प्रदीप। दोस्तों बात चल रही है इस्लाम में फैले कुरीतियों के बारे में, जैसे कि चार शादियां और हलाला। खासकर टॉपिक रहा हलाला। सुबही खान और निकत जरीन ने इस पर बहुत ही गंभीरता से डिबेट में हिस्सा लिया और मौलाना की ऐसी की तैसी कर दी। दोस्तों डिबेट बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार डिबेट है। आप लोग में से कई लोगों ने देखा भी होगा, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए डिबेट है, जिन्होंने देखा है वो इसकी वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डिबेट, तो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो करना कौन सी कुरान में लिखा है तीन तलाक होना चाहिए, हलाला होना चाहिए? कौन हलाला कहीं भी नहीं है। क्यों, क्या बात कर रहे हैं? हलाला कहीं भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है, और जो कर रहे हैं वो बलात्कार कर रहे हैं, मुजरिम है, उन्हें सजा मिलना चाहिए। हलाला नाम की कोई चीज़, आप तो कानून तक जाते ही नहीं है ना। आप लोग तो कानून बन रहे तो कह रहे हैं इस्लाम के खिलाफ है। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं ये मुस्लिमों को तबाह करने के लिए कानून आया है, मुस्लिमों को ये सबसे बड़ी सजा दी जा रही है, महबूबा मुफ्ती कह रही है, बताइए ना। हमारा विरोध इस बात पे था कि ये कानून जो बना है सजा कैसे, मैं तबाही कैसे, मैं आगे पूछ रहा हूं कि जिस औरत का शौहर जेल चला गया उसको मेंटेनेंस मिला नहीं, उसके बच्चों के कौन खर्चा उठाएगा, उसके स्कूल की कौन, अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए। 86 में बंद करवा चुके हैं, आज इनको मेंटेनेंस की याद आ रही है। इतने सालों से मेंटेनेंस की कोई परवाह नहीं थी इनको, आज जब महिलाओं के लिए कोई कानून बन गया है तो मेंटेनेंस का रोना शुरू कर दिया। अरे दोगलापन मत करा करिए आप, अपनी बारी पे बोलिए। दो बात तो अल्फाजों का पहले तो प्रयोग अच्छा कीजिए। मैंने ये कहा कि आप तलाक दे रही है, हमारी बहन को भी हो सकती है, किसी को भी, तो गलत है, गलत तरीके से तलाक दी जा रही है। तलाक का जो कानून आ गया ना उसके लिए, अरे गलत तरीके से तलाक दी जा रही है ना, कानून आ गया, दिक्कत क्या है? अरे हमारा विरोध कानून पर इस पर है। जी 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 बोलो 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 बेटा, क्या कहना चाहते हो? जी जी डरो मत, बोलिए। देखिए बोल भी नहीं पाती है महिलाएं, आपको आप वक्त के लोगों को आपको सोचना चाहिए, बोलिए। हलाला के लिए ना फांसी सजा होनी चाहिए, हलाला के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। ये दुख है, ये बोल नहीं पाते। यही दुख है जो मेरे साथ खड़े हुए खान साहब और तमाम ऐसे जो मैं कहूंगी झूठे काजी, सच्चे काजी ऐसे नहीं करेंगे, जो झूठे काजी होते हैं इन्होंने महिलाओं को दबा रखा है। आज मेंटेनेंस की बात करते हैं, इन्होंने जो अपने को दूसरे के सामने पेश करे हलाले की बात कर रहे हैं। इस्लाम में गलत बोला आपने, आप जो जो आपको दूसरों के सामने पेश करें ये गलत कमेंट करा, ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं नहीं ये ऑब्जेक्शनेबल है सर, वो लड़की का हक है कि उसका निकाह कैसे होगा, किसी को हक नहीं रहेगा, मिलेगा किसी को जो अपने को पेश करेगा। अमीर जी एक मिनट, मेरी बात हलाले पे, अमीर जी बात ये है, आपने गलत बोला। हलाला जो लड़की जा रही है, जो लड़की हलाले के लिए जा रही है उसकी गलती है। हलाला इस्लाम में नहीं है, हलाला जो करा रहे हैं वो मुजरिम है, उनके बलात्कार का केस होना चाहिए उन पर, उनको सजा मिलना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। लड़की इसलिए दोषी है कि लड़की को इजाजत दी इस्लाम ने कि वो अपना निकाह किससे करेगी। यहाँ प्लानिंग के एतबार से किया जाता है, इससे कर दो उससे कर दो, ये निकाह नहीं है, ये जुर्म है, ये हलाल
हलाला ही नहीं है, ये बलात्कार है। अब आप कह रहे लड़की खुशी हलाला के लिए वो अपनी मर्जी से शॉर्ट्स पहने, यहां पे जितनी शिद्दत के साथ बोल तो पानी नहीं है, मर्जी से शॉर्ट्स सुनने की बात है। अरे हमेशा दिए जा रहे हैं जितनी शिद्दत के साथ यहां पे बोल रहे हैं कि हलाला रेप है, हराम है। आप लोगों ने एज अ कम्युनिटी, जब आपकी कम्युनिटी में ये गंदगी फैल रही थी, आज तक उसको खत्म करने के लिए किया क्या? अब तो आगे खान साहब, अब आप मुझे बताइए, जिन ठेकेदारों की ठेकेदारी पर आपको गर्व था, उनका कच्चा चिट्ठा तो खुल रहा है धीरे धीरे, बताइए क्या करेंगे? कम से कम हुआ तो सही जो जरूरी था। आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे अगर आप इसके साथ खड़े होंगे तो। बात इनकी यह है कि सचर कमेटी की रिपोर्ट जो आई और रंगनाथ मिश्रा की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये मुसलमानों की हालत भी आई, उस पर ना कांग्रेस ने काम किया और ना 10.5 से 11 साल की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी एजुकेशन के जो उलमा है, मुस्लिम बोर्ड है जो देश में, उन्होंने क्या काम किया? देखिए उलमाए कराम का काम यह है कि उन्होंने मदारिस खोले, 4% लोग इस देश में मुसलमान शिक्षित हैं, 96% एजुकेशन से दूर है, उन 4% में 2.5% मदरसे से है और 1.5% यूनिवर्सिटी से। ठीक है अमीर जी, महिलाओं की मर्जी की अभी बात हो रही थी, महिलाओं की मर्जी ठेकेदारी की भी बात हो रही है, ठेकेदारी की भी, मैं इसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा मर्जी और स्थिति। एक तो आप देखिए हमारी बहन सामने यहाँ बोल भी नहीं पा रही है, इतना प्रोटेक्शन होने के बाद। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं देना चाह रही हूँ, मैं इनका एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। अब तो आवाज निकल रही है। ओह यार, एक एग्जांपल मैं देना चाह रही हूँ, जो इन लोगों की ठेकेदारी है अरबी कल्चर की, मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ इनके अरबिक कल्चर और हमारे इंडियन कल्चर का। स्वैत वैली को हम सभी जानते हैं, इनके अरबिक कल्चर के हिसाब से मलाला यूसुफजई खान को पढ़ाई करने के लिए दिमाग में गोली मार दी जाती है और उसी स्वैत वैली में गार्गी मैत्री से हमारे वेदों में मंत्र लिखवाए जाते हैं। इस मुल्क से बात करो, इस मुल्क की ये नहीं मालूम है कि बात का दायरा क्या है, क्या टॉपिक, उस टॉपिक पे बात कर रही है, हमें क्या लेना मलाला से और क्या लेना हमें तालिबान की सोच से। हम देश के लोग हैं, हमें शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, इस पर कोई बात होना चाहिए इस देश के विकास के लिए। जब पूरे देश का हमने कहा कि भारत माँ, मौलाना साहब सब कुछ चाहिए, भारत माँ की दो आंखें हिंदू और मुसलमान, अगर एक आंख को फोड़ दिया गया तो भारत माँ काली हो जाएगी, हम इस देश की भारत माँ को के चीर हरण पे जो आज चुप्पी साथ जाएगा ना, बाखुदा कल वो इतिहास के कालखंडों में कायर कहलाएगा। और अगर महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा है, उनके साथ हलाला जैसी कुप्रथा करी जा रही है, तो तलाक, तलाक 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 बोलकर बोला जा रहा है, और जो ये कह रहा है हलाला इसलिए होता है क्योंकि महिला खुद चले जाती है। एक मिनट आपके बीच में लंबी चौड़ी बात ना दे देना, काम बात तलाक के मुझसे किसी से बोलने दो ना, मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो? मैं आपके बारे में बोली नहीं, मैंने हाथ खड़ा किया था सभ्यता से, वो आप सभ्यता भी आप भी निभाइए। जो ये लोग बोलते हैं कि लड़की की गलती है, ये वही लोग अगर किसी नन्ही सी बच्ची का रेप हो जाए तो वो ये भी बोल दे शायद नंगी थी ना छोटी 2 साल की बच्ची, इसलिए किसी ने रेप कर दिया। आपकी सोच है यहां, ये इजाजत दी जाती है निकाह में, ऐसा नहीं हो जाता किसी से। आप कर रहे हो, आप जिम्मेदार नहीं हो, आप बड़ी देर से किस आदमी के साथ निकाह कर रहे हो, उसका ज्यादा काम नहीं जाता। आप उनको बोलने दीजिए। एक फैक्चुअल बात, इन्होंने बड़ी ही सभ्यता से चिंता जताई मिस्टर चिंताजनक ने कि मेंटेनेंस का क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, जब आज महिला को ट्रिपल तलाक तलाक देके और सड़क पर बच्चों के साथ दरबदर के ठोकरे खाने छोड़ दिया जाता था तो कौन सा परिवार और कौन सा पति मेंटेनेंस देता था? आज तो फिर आके कि जाके मजिस्ट्रेट के सामने गुहार लगा सकती है और मेंटेनेंस का हक मांग सकती है। तो मैं काम नहीं खोल सकते, पानी प्यासी है लेकिन पर्दा नहीं खोल सकती, ऐसा क्यों आप लोगों में है भाई? औरतों को गुलाम बना रखा आप लोगों ने कि पर्दा नहीं खोलना। अरे मौलाना 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 साहब, एक सवाल, अभी आपने कुछ देर पहले इसी कार्यक्रम में बोला कुर्ती कोई भी हो उसको जाना चाहिए, कुर्ती तो ये भी है कि एक मर्द को 4-4 शादियां अलाउ होती है, वो कुर्ती नहीं है? आज ऐलान करिए कि वो भी बंद होना चाहिए। देखिए मैं ऐलान नहीं करूंगा, जो अल्लाह ने कह रखा है संविधान वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आप सुनो सुनो, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कुरान में आया है कि ए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औरतों से, अपनी बेटियों से और मोमिन की औरतों से कहो कि जब आप घर से निकले तो अपने जिस्मों को ढाक के निकले। और उसमें इतने मानने वाले थे कि जो बाजार में थी औरतें उन्होंने चादर मंगा के फिर आई। ये अगर कान और दिमाग, ये दिमाग की चीज़ नहीं है, कुरान का संविधान है और कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम है, उसमें यहाँ से लेकर कयामत तक चलेगा, उसमें किसी की दखल, कोई पर्दा करता है ये नहीं करती, ये इनकी जिम्मेदारी है, वो पर्दा करती है। मैंने तो चार पतियों में बोला, मैंने तो चार पत्नियों में बोला, आपने ज्ञान दूसरी बात पे दे दिया। मैंने उसमें पहले उनका सवाल था, आपने आप चार पत्नी की बात पत्नी पे आपने बोला पर्दा तो जरूरी है। अरे भैया बिना पर्दे के तो काम चल ही नहीं सकता। चार पत्नी पे सुन लो, कुरान में अल्लाह आपने बोला ना कुरीति बंद होनी चाहिए, ये भी तो कुरीति है। नहीं ये कुरीति, ये भी तो कुरीति है, आपके लिए होगी, इस्लाम में कुरीति नहीं है। ठीक है, आपने चार बीवियों पर सवाल करा था और इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने पर्दे पे जवाब दिया। अब मैं इनकी बात का मैं जवाब देती हूं। जो लोग नेशनल टेलीविजन पे आके शरीयत को, कुरान को और हदीस को मिसकोट करते हैं ना, वो सबसे बड़े दुश्मन है मुसलमान के और इस्लाम। बात तो सही है। अब मैं बता दूं क्या कहा गया है हदीस में, कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो उसकी क्या
कोट लाइन से मैं बता देती हूँ कि अगर आपकी बेगम एक मिनट भाईजान एक मिनट या तो खुद बोल लीजिए या तो आपकी जो बेगम है उनको औलाद ना होती हो या कोई दूसरी महिला है वो बेवा हो या मजबूर हो तब आप उन्हें घर में ला सकते हैं। दूसरा उसके अलावा सबसे बड़ा जो आपको प्रिंसिपल फॉलो करना है वो ये है दूसरी शादी करने के लिए आपको पहली बेगम से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर वो मना कर देती है तो दूसरी शादी हराम है। ये इनको समझा दो, ये मिसकोट करते हैं। खान साहब बोलिए, जवाब सुनिए जमात। हाजी खान साहब बोलिए जी, जवाब सुनिए। ये उन्होंने कहां से कोट किया मुझे को नहीं मालूम ना मैंने पढ़ा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान में हदीस कह रही थी, कुरान कहने लगी। अरे कुछ नहीं मालूम, कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं, पहले पूरी बात सुनिएगा कि कुरान में अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें जो औरतें पसंद हो तुम उनसे एक एक दो दो तीन तीन चार चार निकाह कर सकती हो। अब शर्त लगा रहे हैं, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। बशर्ते बशर्ते अरे सुनो ना, अरे चिल्लाने से नहीं होगा, बशर्ते अगर झूठ होगा तो कर दो ना बाबू, या तो नारे में बोला आपने सुबह का क्या बोला आपने, सूरे आले इमरान की आयत में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि तुम्हें जो औरत, लेकिन आगे शर्त लगाई उसके बाद कि अगर तुम चार औरत रखने के काबिल नहीं हो तो तुम एक ही करो, बशर्ते कि अगर तुम उनके साथ एक सा मामला कर सको, और अगर ये ना कर सको तो अल्लाह कह रहे हैं तुम एक ही करो। सबसे पहले तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आज बोलने जा रही हूँ, किसी मुस्लिम ने नहीं बोला। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस धर्म में खान साहब जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स हो उनको दुश्मनों की क्या जरूरत है, जो अपने धर्म को ऐसे बदनाम कर रहे हैं। कंडीशंस बोली कि कुरान में ये लिखा है, मैं इससे भी आगे जाके एक बात बोलना चाहती हूँ आज नेशनल टीवी पे कि कुरान के अंदर जो वर्सेस हैं वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से हैं, कुछ साइकोलॉजिकल पर्पस से हैं, कुछ वहां पे वॉरफेयर चल रही थी उस पर्पस से हैं। कुरान की सारी वर्सेस धर्म नहीं है, इसलिए हर वर्सेस को धर्म का नाम लेके इस्तेमाल करना बंद करिए। भगवत गीता भी बहुत कसीदा करती है, हिंदू लोग को नहीं चलवा लेके घूमते हैं, हिंदू लोग लोगों की वजह से इस्तेमाल करते हैं। आप लोग हर चीज को धर्म का नाम लेके मिसयूज करते हैं। आप क्या कहना चाहती है बताइए, क्या कहना चाह रही थी? पहला सवाल मौलाना साहब से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको परेशानी क्या है? अगर तीन तलाक आता है तो इससे आपकी बेटियों को फायदा होगा आगे जाकर के? ये तो सलाह दी है आपको, ठीक है। आप कुछ कहना चाहती है, आप कार्यक्रम का बिल्कुल आखिरी है, कुछ कहना चाहती है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल दीजिए उनको, खड़े होकर बोलिए अपनी बात को। जैसा इन्होंने बोला कि हदीस में लिखा हुआ है कि निकाह करना, तो क्या उसमें भी निकाह के साथ ही आता है कि तलाक देना? तलाक के बाद फिर मतलब अलग हो जाना, आप मुझे बता दो। तलाक देने का जो सिस्टम है उसको ना तो देने वाला जानता ना लेने वाला जानता, दोनों नहीं जाते। हलाला कोई चीज नहीं है, हलाला मैंने पहले कह दिया, हलाला कोई चीज नहीं है। निकट के साथ खड़े होइए, बोले दीजिए। इन्होंने बोला कि तलाक निकाह जायज है, ठीक है, तो क्या निकाह के साथ तलाक भी लिखा हुआ आता है? तो हलाला भी लिखा हुआ आता है? हलाला अल्फाज है ही नहीं, तो क्यों लिखा हुआ? हलाला कोई चीज नहीं है, अभी पढ़ो। एक मिनट, नहीं होता उनका सजा मिलना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए, चाहे वो मौलाना हो या कोई और। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उसमें से मुझे ये मिलना, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मजा आया। तो दोस्तों डिबेट हो गई पूरी, वीडियो हो गई खत्म। दोस्तों मैंने आपसे एक बार बात किया था कि मैं हर संडे को फंडे बनाना चाहता हूँ। फंडे से मतलब है ऐसी कॉमेडी डिबेट जिसमें संबित पात्रा का बहुत बड़ा रोल हो, और रोहित सरदाना जी जिन पर मैं डिबेट बनाना चाहता था। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके ये संडे को आप फंडे बनाना चाहते हैं तो कमेंट भी यस कहिए। दोस्तों मैं संडे को ऐसी डिबेट लाऊंगा, भले कोई भी टॉपिक चल रहा हो देश में, लेकिन संडे को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्शन पैक डिबेट लेके आना चाहता हूँ। रोहित सरदाना का एक्शन पैक डिबेट और संबित पात्रा का कॉमेडी डिबेट, जो कि पुरानी डिबेट होती है, बहुत मज़ेदार डिबेट थी वो सब। अगर आप ऐसी डिबेट देखना पसंद करते हो तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं जरूर हर संडे को आपका फंडे बना दूंगा। तो दोस्तों अगर
आपको ऐसी डिबेट वीडियो पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाना। मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सबसे पहले मैं जो सबूही खान की बात थी ना, जो उन्होंने तकरीबन डिबेट का एंड ही था जो उन्होंने कही, मैं वो बोलना चाहूंगी कि हम लोगों की बात पे तो कोई यकीन नहीं करता। अब सबूही खान को आप लोग बहुत मानते हैं कि सबूही खान दो डालती हैं, फलाने को दो दिया, फलाने को दो दिया, तो आप ही की सबूही खान ये बोल रही हैं कि कुरान की सारी वर्सेस को धर्म मत कहें। कुछ वर्सेस जब वहां पर जंग हो रही थी उसके लिए, मतलब उस दुरानिये के लिए उतरी थी, कुछ एक खास टाइम के लिए, सॉरी टाइम के लिए कह रही हूँ, खास लोगों के लिए थी, कुछ खास लोगों के लिए, और कुछ जो है वो धर्म के ऊपर थी। तो सारी मत आप लेके आई, और यही मैं एक्स मुस्लिम्स को भी कहूंगी कि सारी आप जो जितनी भी वो है ना कुरान की वर्सेस, उनको आप इस्लाम का या उसका धर्म के अकॉर्डिंग ला के तो वो मत इम्पोज करिए मुसलमानों पर कि वो इनके कुरान में तो ये है, इनके इस्लाम में तो ये चीज है, इनके इस्लाम में तो ये चीज है। और दूसरा जो निगत अब्बास है, उनकी बातें आज सारी मुझे बेहद अच्छी लगी हैं। और जो उन्होंने कहा कि जैसे हलाला की बात हो रही थी और ये जो खान साहब इस तरह बैठे हुए थे, ये पूरा पलट ही उन्होंने दिया कि कुरान में कहीं से पे हलाला है ही नहीं। और दूसरा एक और बात थी जो उन्होंने कहा था कि कुरान में वो चीज नहीं है, जो निगत शादी की बात जो उन्होंने चार शादियों की बात की थी, वो मैं इनसे टोटली अग्री नहीं करती। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन सा कुरान पढ़ा है या कहाँ पे लिखा कि अपनी जो पसंद हो उनके साथ एक एक दो दो तीन तीन चार चार शादियां कर, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। ये तो शरिया में भी है और ये तो हदीसों में भी है कि जो बेवा हो या जिनके सर पे कोई हाथ रखने वाला ना हो, इस सूरत में आप उनको प्रोटेक्शन देने के लिए शादी कर सकते हो। और इसीलिए मेरे ख्याल से चार शादियां जो है वो एक मर्द के लिए, एक मुसलमान मर्द के लिए जायज है। ऐसे नहीं कि आपको एक बीवी आपने रख ली, दो साल आपने उसके साथ गुजार ली, अब आपको कोई और पसंद आ गई, उससे दिल भर गया तो आप दूसरी ले आओ। और ये भी है कि आप पहली वाली से इजाजत लेके फिर आपने दूसरी शादी करनी, अगर वो इजाजत देती है। इवन कि अगर वो मर गई है ना, तो आपने अगर उसे इजाजत नहीं ली है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि वो शादियां नहीं करते हैं कि हमारी जो बीवी है वो अब चली गई है, या बच्चों की वजह से, बच्चों का भी रीजन होता है, और ये भी मेन रीजन होता है कि हमने उससे इजाजत नहीं ली, हम उसके साथ मुखलिस हैं, या इस टाइप के भी बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं। और वो ये मुसलमानों में ही है, जो औरतें हैं वो तो ज्यादातर होती है ऐसे, वो नहीं करती कि भाई हमने अपनी, जैसे हम अपने शोहरों के साथ बड़ी लॉयल थी या ये चीज शो करने के लिए, या उनका नहीं दिल करता जगह जगह घाट घाट में जाने का, तो इस वजह से वो नहीं करती। लेकिन मर्द भी बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं करते। तो ये दो बातें ऐसी थी जो कि मैं इनसे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ, जो खान साहब बोल रहे थे। और दूसरा जहां तक बात थी, वो जो एक ऑडियंस में लड़की बैठी थी और फिर वो निगत के साथ आ गई, तो वो पहले जैसे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इनको बोलने से खौफजदा है, तो मुझे वो खौफजदा कहीं से भी नहीं लगी जब वो स्टेज पे आ गई तब। हाँ, तब थोड़ी वो हेजिटेट कर रही थी, जारी सी बात है, जब फर्स्ट टाइम कोई भी इंसान कैमरा को फेस करता है तो हेजिटेशन फील करता है, लेकिन जब वो आई है ऊपर स्टेज के ऊपर, तब वो कहीं से भी खौफजदा नहीं लगी। सो जो पॉइंट्स मुझे लगे कि उनके सही नहीं थे, वो मैंने बोले। अब नाजिया बताएंगी कि वो क्या कहना चाहती है। अच्छा, मुझे जो खान साहब थे जिनको सारे मौलाना मौलाना कहे थे, मुझे इनकी जो इन्होंने बात की थी कि जी मुझे कुरान में हलाला का कहर थे कहीं भी जिक्र नहीं है। अच्छा, ये जो चीज जो है इसको हम नहीं मानते क्योंकि कुरान में जो है वो हलाला का जिक्र है, लेकिन ये जो कह रहे थे कि हलाला जो है उसको रेप के तौर पे अब यूज किया जा रहा है, तो मैं खान साहब की जो है वो इस बात से एग्री करती हूँ। वाकई इसको जो है वो रेप के तौर पे जो है वो यूज किया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम भी जो है वो हमारा इस चीज की इजाजत देता है कि लड़की की पसंद से जो है, जब आप अगर उसका रिश्ता कर रहे हो तो उसकी पसंद जो है वो लाजमी होनी चाहिए कि वो इस लड़के से शादी करना चाहती है कि नहीं। तो लेकिन अब ये बिजनेस बन गया और हम इसके ऊपर काफी बात कर चुके हैं, लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है कि कमिटमेंट करके कि तुमने इसे शादी करनी है और इसके बाद जो है वो उसको छोड़ देना है। तो मैं खान साहब की सिर्फ इस बात से एग्री करती हूँ। बाकी जैसे आपने कहा वो सबूही और जो निगत थी, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, वो बिल्कुल सही कह रही थी। खान साहब जो है वो इस मामले में उन्होंने बिल्कुल सही से कोई जवाब नहीं दिया। और जैसे वो शादी की बात कर रही थी कि निगत ने जैसे बात की थी कि आपके पहली बीवी की जो है वो इजाजत होनी चाहिए, मतलब हमें इस्लाम में जो है वो उन्होंने इस्लाम के मुताबिक बताया कि शादियां जो है वो इस तरह आपको चार शादियों की इजाजत दी गई है। लेकिन हमारे अब लोग क्या करते हैं, उन्होंने बस सिर्फ इस बात को पकड़ लिया कि इस्लाम ने जो है वो हमें चार शादियों की इजाजत दे दी है बस, जो और उसके पीछे कारण क्या होना चाहिए, रीजन क्या होना चाहिए, वो उस चीज को नहीं करते। बस ये कि हमें चार शादियों की इजाजत दे दी है, अब हम जिसे चाहे मर्जी जो है वो शादी कर ले, हमें बेशक पहली बीवी से इजाजत लेने की जरूरत है या नहीं, लेकिन हमारा इस्लाम जो है वो इस चीज की इजाजत देता है कि आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी पहली बीवी आपको इजाजत दे। तो वही ना, फिर लोग अपनी मर्जी से जो है वो इस्लाम को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि अब तो हमें इजाजत मिल गई है
अब हम खुले सांड की तरह जैसे कहते हैं घूमना शुरू कर देते हैं। अब हमें इजाजत मिलेगी भी है तो हम कोई भी जो गलत काम है कर सकते हैं, और बाद में कह देंगे कि जी इस्लाम ने जो है वो हमें इस चीज की इजाजत दी है, जैसे चार शादियों की इजाजत होगी या हलाला की, जैसे हलाला को इस्तेमाल करके लोग जो है वो रेप करते हैं और फिर नाम लगा देते हैं कि जी तुम्हारे इस्लाम में तो इस चीज की इजाजत है। तो मतलब इस्लाम में इजाजत है लेकिन किसी उसका कारण जो है वो और है, लेकिन जो लोग उस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जो बस इस डिबेट में और डिबेट की मैं जो बात कहूंगी कि इस किस्म की जो डिबेट होती है ना वो देखने में मजा तो आता है लेकिन ये कि बात की जो है वो सही तरीके से समझ ही नहीं आती। उधर से खान साहब भी जो है वो मुसलसल बोली जा रहे थे, बीच में निगत भी जो है वो बोली जा रही थी, मतलब टर्न बाय टर्न जो है वो बोल नहीं रहे थे, और होस्ट जो है वो मैं तो कहूंगी उनका हौसला भी है लेकिन जिस तरह वो आ रहे थे बार बार मिल रहा था कि खान साहब को जो है वो बीच में आके के मार ही ना दे, और वो जो ऑडियंस में से लड़की उठ के आई थी वो भी ऐसे ही आके ना चलना शुरू हो गई ऐसे, मतलब अचानक से उसको उसकी सारी हेजिटेशन जो है वो खत्म हो गई थी, अचानक में से ना उसको वो जो होस्ट था उसने इतना बूस्टअप किया कि वो जो है वो उसमें पता नहीं क्या बलबला जोश आ गया कि वो आके फौरन स्टेज पे, और आते सारे उसने अपना काम भी उतार दिया। मुझे लग रहा है शायद उसको थोड़ा वो किया होगा ये सही नहीं है तुम उतारो खैर, तो उसने वापस घर नहीं जाना था ये तो अब वो घर की होगी तो बाद के हालात उसी को पता होंगे कि इसके साथ हुआ क्या है। तो मैं एंड में एक छोटी सी बात जरूर ऐड करूंगी कि मतलब ये जितने भी ये हलाला टाइप के इस तरह की जितनी भी चीजें निकलती है जो की इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, तो इसमें इस्लामिक मिनिस्ट्रीज भी हैं, फिर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनको वो क्यों नहीं इसके खिलाफ एक्शन लेती, जैसे छोटी छोटी बात के ऊपर फतवा आ जाता है तो इसके ऊपर क्यों कोई फतवा नहीं आता। मेरे ख्याल से जो जितनी भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इन सब चीजों को भी देखें जो कि सोशल इवल्स हैं लेकिन इनको इस्लाम का नाम दिया जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता सारी सी बातें ये फैलता जाता है। जैसे कि आप देखो पाकिस्तान में भी है, हम इंडिया की डिबेट देख रहे हैं वहां पे भी ऐसे ही है, फिर और इस्लामिक कंट्रीज में ऐसे फैलता जाता है। जैसे चार शादियां हैं, अगर कुछ जानबूझ के कोई ऐसा कर रहा है अपनी मर्जी से या अपनी पसंद से तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये इस्लामिक रूल्स इसके अगेंस्ट जो है वो बनने चाहिए ताकि ये जितने भी ये इवल्स हैं जिनको इस्लाम का नाम दिया जाता है और इस्लाम को बदनाम किया जाता है वो ताकि खत्म हो सके। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा जो आपने कहा फतवे की, जो लोग फतवे लगाते हैं ना वो उनको चाहिए कि जो सही चीज है उस चीज के ऊपर फतवा लगाते नहीं, जो उल्टी सीधी चीजें होती है उसके ऊपर जो है ये लोग फतवा लगाना शुरू कर देते हैं, और फतवा लगाना चाहिए और जितने भी हलाला सेंटर है ना उनको जो है वो बैन करना चाहिए। तो बस खैर यही थी हमारी आज की सजेशन और यही था आज का रिएक्शन, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।